आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की पाठ्य पुस्तक भूगोल शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं इकाई सेकंड। सेकंड इकाई का नाम है विद्यालय में विषय के रूप में भूगोल का अध्ययन। तो हमने पढ़ा था कि माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर पर या पीजी लेवल तक हमारे इस बीएड प्रशिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण क्षेत्र के अंदर इस पाठ्य भूगोल के अंतर्गत किस प्रकार का उपयोग अध्ययन करते हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। परंतु आज हमारा इस विषय वस्तु के अंदर हमारा जो प्रकरण है वह है कि पोषणीय विकास या भविष्य के घटक। पोषणीय विकास क्या है? पोषणीय विकास मतलब मानव अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पोषणीय विकास संबंधित कुछ न कुछ प्रयोग करता रहता है। सामान्यतः ये कहा जाता है कि मानव जीवन इस अनेक घटकों के संबंध रखता है। तो आज विकास के प्रमुख घटक पड़ी है जिसको हम अपने एक भाग दो भाग तीन भाग के अंदर उसको पूरा करते हैं। तो पहला इसमें घटक आता है कि पोषणीय विकास के प्रमुख घटक मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किस आधार पर करता है। तो पहला आता है आर्थिक घटक का मतलब क्या होता है कि अगर देखे जाए तो इस पोषणीय विकास के घटक के अंतर्गत प्राकृतिक साधनों का उपयोग किया जाता है। क्योंकि पर्यावरण में बहुत ऐसे अनेक संसाधन का उपयोग मानव अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। जैसे कुछ संसाधन तो हमें प्रकृति से निःशुल्क प्राप्त होते हैं, कुछ संसाधन कुछ संसाधन पर्यावरण से निःशुल्क प्राप्त होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जंगलों से लकड़ी काटकर, जैसे उदाहरण के लिए जंगलों से आर्थिक स्थिति को दूर करने के लिए जंगलों से लकड़ी काटकर बाजार में बेचता है तथा स्वयं के लिए भोजन बनाने के लिए उपयोग में करता है। इस प्रकार अनेक गतिविधियां मानव अपने इस घटक के अंतर्गत करता है जो हमारे आर्थिक विकास के संबंध है, जो हमारे आर्थिक क्रियाओं को पूर्ण करता है। इसमें इस आर्थिक घटक की सहायता से हमारे पोषणीय विकास के माध्यम से हम सर्वोत्तम रूप प्राप्त करते हैं, अपने आप की आवश्यकताओं की पूर्ति हम कर सकते हैं। तो ये आर्थिक घटक बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक घटक मतलब
द्वारा जो हो रहे हैं, जैसे खनिज बहुत सारे संसाधन, बहुत सारे कोयला है, पेट्रोल है, अभ्रक है, तांबा संसाधन मतलब धातु को अधातु चीज जो हमें जमीन से या खोद कर निकालते हैं, उस प्रकार के जितने भी तत्व हैं, जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों का आर्थिक रूप से उसको कच्चा प्राप्त करते हैं, उसको फिर नया तैयार करते हैं। धातु को अधातु का ये मतलब धातु का होता है शुद्ध रूप, अधातु का होता है अशुद्ध रूप होता है। अब इसमें आते हैं सेकंड नंबर जो आता है हमारा वो है दार्शनिक घटक। कौन सा है? दार्शनिक घटक। कौन सा है? दार्शनिक घटक। नाम से पता होता है दार्शनिक होता है दर्शन, ठीक है। तो इस घटक के अंदर पूर्ण विकास के घटक के अंतर्गत मानव पर्यावरण के समस्त घटकों को संतुलित या संरक्षण करने हेतु उसको दार्शनिक घटकों का समावेश करता है। इसको एक तो संरक्षण करने पर्यावरण को रक्षित या संतुलित को दार्शनिक घटक में समावेश किया जाता है। पर्यावरण को संरक्षित या संतुलित को दार्शनिक घटक में समावेश किया जाता है। समावेश जोड़ना, इस दार्शनिक विचारधारा के अनुसार मानव को प्राकृतिक संसाधनों एवं सामाजिक विकास की प्रकृति में सकारात्मक सोच और व्यापक सोच का बना दिया। इस विचारधारा के माध्यम से व्यक्ति अपने हित के साथ साथ सामाजिक हित के बारे में भी सोचता है कि जब हम इस जंगल से दो पेड़ काटते हैं तो उसके बदले हमें चार पेड़ों को लगाने का उसका मन स्थित बनाना चाहिए, जिसका आगे आगे आने वाली समस्या या जो व्यक्ति है उनको नगरियों के लिए परेशानी न होनी पड़े। इसलिए दार्शनिक इस पर्यावरण संरक्षण के अंदर दार्शनिक विचारधारा का होना हमारे लिए, दार्शनिक मतलब हमारे सकारात्मक सोच का होना बहुत ही जरूरी है, जिसके माध्यम से हम अधिक से अधिक इसके बारे में जानते हैं, बात करते हैं। मतलब कहा जाता है कि आज देखिए हमारे महामारी कोविड, वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौर पर सब जगह ऑक्सीजन की बहुत कमी रह गई थी। क्यों? क्योंकि हमारे प्रकृति को हमने ही नुकसान पहुँचाया है, और हमने अगर नुकसान पहुँचा है, अगर हमने हमारी उस आवश्यकता के लिए जमीन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमने जंगलों को काट कर, खेतों को छोटा कर हमने वहाँ अपने भवन निर्माण किया है, इस वजह से आज हमारे इस सांसारिक जीवन के अंतर्गत इस जो हमारे पर्यावरण के भौतिक जगत में ऑक्सीजन जो है, CO2 की कमी जो है, वो इसी कारण से है कि हमने जो गलतियाँ की है उन गलतियों को आने वाली पीढ़ी न भोगे। इसलिए हम एक पेड़ की काटते हैं तो उसके बगैर हम दो पेड़ हमें लगाने चाहिए, क्योंकि इस दार्शनिक जीवन के अंदर, इस आर्थिक जीवन के अंतर्गत जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है वो अपनी आमदनी के लिए इस चीज़ का प्रयोग कर सकता है। आज देखिए हमारे भारत के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज हमारे इस गैस सिलेंडर की जो रेट है वो इतनी बहुत महंगाई होने की वजह से आज गरीब परिवार के गरीबी रेखा से नीचे वाले जो परिवार हैं वो जंगलों से लकड़ी काट कर उनका उपयोग आज कर रहे हैं, क्योंकि इतनी महंगाई। एक तो कोरोना काल के अंदर हम जब भी घर के अंदर आमदनी बंद हो गई है, कैसे जीवन यापित करना है, तो वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आर्थिक घटक पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि पर्यावरण से हमें जिस तो जो लकड़ी मिलती है उन्हें हमें हम अपनी आवश्यकता की स्वयं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, कौन से विकास के प्रमुख घटक में आपने हम